सम्राट अशोक क्लब के तत्वाधान में गुरुवार को राष्ट्रीय एकता अखंडता व प्रथम चक्रवर्ती सम्राट अशोक द्वारा किए गए राष्ट्र तथा विश्व कल्याणकारी कार्यों के उपलक्ष में राष्ट्रीय प्रतीकों की भव्य झांकी निकाली गई। शोभा यात्रा के मुख्य अतिथि सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय प्रबंधक सत्यनारायण मौर्य ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि देश के अंदर धर्म और जाति के नाम पर लोग जुटे हैं, जबकि राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति लोग बहुत उदासीन हैं। इसकी जागरूकता के लिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है। शोभा यात्रा में धर्म गुरु शाह के ब्राजंगी राजू मौर, अमित कुशवाहा, श्रवण मुरलीधर, लालजी राम ज्ञान सहित आसपास के जनपदों से आए लोग शामिल हुए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सम्राट अशोक क्लब के प्रवक्ता गिरीश चंद मौर्य और सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय प्रबंधक सत्यनारायण मौर्य ने कहा, जो है राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का यह जो है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का निकाला जा रहा है कि ताकि देश के अंदर जो लोग जो है धर्म और जाति के नाम पर लोग जुटे हुए हैं, जबकि राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति लोग बहुत उदासीन हैं, इसकी जागरूकता के लिए यह कार्यक्रम आज किया जा रहा है। यह गोरखपुर के विभिन्न शाखाओं से, विभिन्न ब्लाकों से लोग आए हुए हैं। इसके अलावा अगल बगल के जनपदों से लोग भी यहां आए हुए हैं। यह कार्यक्रम पिछले 8 वर्षों से मनाया जा रहा है, जो अब 2 साल से इस शहर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय एकता अखंडता हेतु इस कार्यक्रम का आयोजन सम्राट अशोक क्लब शाखा गोरखपुर के माध्यम से किया जाता है।